तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सादिया मॉम किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं उबले अंडे की रेसिपी। दोस्तों, खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा, तो आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, हम यहाँ 4 उबले अंडे ले लिए हैं और एक कप हरे मटर। आज हम उबले अंडे और हरे मटर की सब्ज़ी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये अंडे को ग्रेट करना है और बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है कि इसके लच्छे अच्छे लच्छे दिखने में खिले खिले लगे, इसलिए हमने बड़े होल वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है। देखिए, हमने ग्रेट कर लिया है अंडे को। तो अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें सरसों तेल डालेंगे 4 चम्मच के करीब। इसमें 2 लौंग, 1 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और थोड़े से जीरा, सौंफ और थोड़ी सी हरी मिर्च देंगे, मतलब 1 हरी मिर्च तोड़ के दे दिए हैं। और इसमें हम ऑनियन डालेंगे, प्याज डालेंगे लंबे स्लाइस में कट करके। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको फ्राई करेंगे। गोल्डन फ्राई होने पर इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट डालेंगे और उसके अच्छी तरह भून लेंगे 1 मिनट तक। फिर हम इसमें टमाटर का प्यूरी देंगे, मतलब इसे ग्रेटर में ग्रेट कर लिए हैं, अच्छी तरह भूनेंगे, भून के। और इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और अच्छी तरह इसको भूनेंगे थोड़ी देर, 5 मिनट की तरह। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह भून लिए हैं। फिर इसमें हम हरी मटर डालेंगे, जो अभी सर्दियों में हरे मटर आ रहे हैं ना, मीठा वाले, वही डालेंगे। और इसमें और 5 मिनट पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। तो अब हम इसमें उबले हुए ग्रेट किए हुए अंडे डाल देंगे। इसकी अच्छी तरह चलाएंगे, 5 मिनट तक पकाएंगे इसको। पकाने के बाद इसमें हम थोड़े गरम मसाला डालेंगे और हरा धनिया डाल के और 2 मिनट तक पकाएंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, अंडा मतलब तैयार हो गया है। अब इसको सर्व करेंगे। अंडे की सब्ज़ी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप इसे नान और पूड़ी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स, कमेंट करके बोलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।